अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग मैं हूं मैम आर्जुका और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने बहुत शुक्रिया सर क्या चाह पाए थैंक यू सो मच आज हम बात करेंगे सर आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया की और बड़े दोनों नज़दीक आ रहे हैं डिफरेंट किस्म की बातें हम देख रहे हैं और न्यूज़ भी चेक कर रहे हैं क्या कहेंगे आप अब मजीद डिस्कशन सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में चल रही है वैसे तो खैर हम समझते हैं एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे जो लोग हैं उनका ख्याल है कि सऊदी अरब के को जो है वो इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप क्या क्या चीजें सर चल रही हैं कौन कौन सी बातें जो है डिस्कस की जा रही हैं और दोनों कंट्रीज मिलकर क्या काम करने वाली हैं देखिए ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच का टॉक हो रहा है इसको समझना पड़ेगा सऊदी समझ अरेबिया और इंडिया के बीच का टॉक नहीं है ये इस्लामिक वर्ल्ड और इंडिया के बीच का टॉक है और इसका सऊदी अरेबिया जो है एक वो है जिसे कह लीजिए पिविट है सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस्लाम का वो फेज जो दुनिया को दिखाया गया और पिछले कुछ सालों से वो उसको अब चेंज करेंगे एमबीएस साहब एक बहुत विजनरी लीडर हैं इसको कोई बायलेटरल टॉक ना समझे ये दो सभ्यताओं के बीच का टॉक है ये दो एंशियंट सभ्यताओं के बीच का मिलन है जो ये कह रही हैं कि ह्यूमैनिटी को हमें फॉरवर्ड ले जाना है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका ह्यूमैनिटी से सिविलाइजेशन से कोई नाता देता नहीं है हिस्ट्री से कोई नाता नहीं है अब आप ये मैंने कई प्रेट, दो प्लेटफॉर्म पे बोला आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी इस बात को रिपीट करना चाहूंगा जी कि पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज आर्टिकल दो के अंदर है उर्दू और जब तक उर्दू की पूरे पूरे देश में व्यवस्था न कर दी जाए तब तक इंग्लिश आपकी कौमी ऑफिशियल जबान रहेगी तो यानी कि आपकी कौमी जबान उर्दू है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और आर्टिकल 31 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप पाकिस्तान ने यह प्रण लिया है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को अरबी सिखाएंगे ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बन सके तो आपकी दीनी लैंग्वेज अरबी है और आपका जो नेशनल एंथम है वो फारसी में लिखा है आप कौन है मुझे बताइए मैं परेशान चल रहा हूं दीनी लैंग्वेज अरबी सबको सीखना बेचारे पाकिस्तानियों को वो अच्छे मुसलमान पाकिस्तान के लोगों ने ये डिसाइड किया कि उर्दू से अच्छा मुसलमान नहीं बनता अरबी सिखाओ अब बेचारा पा, पाकिस्तानी जो बेसिकली एक पंजाबी और सिंधी है या पश्तो है वो अपनी लैंग्वेज छोड़ दे अब वो पहले उर्दू सीखे उर्दू के बाद वो जाकर के अरबी सीखे उसके बाद फारसी सीखे नहीं

प्रोग्रेस इंक्लूसिविटी ट्रांसपेरेंसी और ये जिसे कह लीजिए फ्रेंडली रिलेशन अमंग पीपुल का ये ये वो है इनिशिएटिव है कल जो स्मृति ईरानी जी की फोटो आई थी वो देखा आपने छोटी चीज है कल टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया कल पाकिस्तान की वजूद को सऊदी अरेबिया ने क्वेश्चन कर दिया क्योंकि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है उन्होंने कहा जो तुम इस्लाम का चेहरा चेहरा दुनिया को दिखाते हो वो हम नहीं है पाकिस्तानी नहीं है इस्लाम का चेहरा अरबी है और बड़ी अच्छी बात है कि अरबों हाथ से पहले इस्लाम गया तो तुर्कों ने लिया फिर तुर्कों के हाथ से इस्लाम कुछ मूर्खों ने ले लिया तो ये जो मूर्खों का इस्लाम है ना इसने दुनिया को बड़ा परेशान किया पिछले कुछ समय से अब सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है कि इस्लाम उनकी विरासत है वो उसको मूर्खों के हाथ से वापस लेंगे और अपना सही पिक्चर वो दुनिया को दिखाएंगे सो कुडोस टू हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब एंड कुडोस टू दिजनरी लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी अब वो प्रधानमंत्री नहीं है वो मेरे ख्याल से यूनिवर्स मंत्री हो गए हैं समझिए वो ब्रह्मांड मंत्री हो चुके हैं प्रधानमंत्री उनके लिए अब छोटा टाइटल है सब उन पे भरोसा करते हैं पुतिन से लेके मोहम्मद बिन सलमान से लेकर के मोहम्मद बिन जायद साहब आपको एक बड़े मजेदार बात बताएं अभी गुजरात समिट हुआ अर्जू जी मोहम्मद बिन जायद साहब ने पब्लिक लेक्चर दिया वो नहीं देते जनरली जायद साहब कभी लेक्चर नहीं देते या पब्लिक में स्पीच नहीं देते दिया उन्होंने वो राजा आदमी है क्योंकि उस अपने कल्चर के हिसाब से तो ये ना सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत का संबंध है ये आने वाले एक हजार साल की इसने इबारत लिख दी है अब इसको पीछे नहीं मोड़ा जा सका क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आप मेरी गर्दन काट दोगे लेकिन उस समय की गर्दन कैसे काटोगे उस आइडिया की गर्दन कैसे काटोगे जिसका वक्त आ चुका है जिसका समय आ चुका है तो समय है मानवता का और सऊदी अरेबिया ने आलम इस्लाम से आलम इंसान का सफर तय करना डिसाइड कर लिया है बाकी पाकिस्तान जाने जी बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर हम इसी में शामिल कर लें या ऐड कर लें ओआईसी आई सी को जिसका कि हम पाकिस्तान को लगता है कि हम उसके लीडर हैं ओआईसी के इस्लामिक कंट्रीज़ के आपको नहीं लगता कि ओआईसी की कंट्रीज़ जो हैं वो भी अब भारत से नज़दीक हो रही हैं और पाकिस्तान को इतना सुना नहीं जा रहा क्या वजह है क्या सिर्फ एक इकोनॉमी ही एक, 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 एक रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सुनना बंद कर दिया है हर कंट्री ने चाहे वो ओआईसी की कंट्रीज ही क्यों ना हो देखिए ऐसा है आरजू जी आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको ना एक और चीज़ पढ़ता हूँ बड़े मजेदार पढ़ना चाहिए आदमी सीखता है बहुत कुछ तो वो ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी है आपके उनका आ, क्या नाम है यूएई का उस फॉरेन पॉलिसी को यूएई ने कुछ यू डिफाइन किया जो आप सुन लीजिए ठीक है मैं आपको पढ़ देता हूँ

चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है वो कहता है दुनिया नेशन स्टेट में बढ़ चुकी है तो साउथ यूएई ने ना, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्ट करके और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना के ये कह दिया कि हम नेशन स्टेट को मान चुके हैं तो अब जो ये लोग दुनिया में ये थ्योरी लेके बैठते हैं कि ये नेशन स्टेट हम नहीं मानते पूरी दुनिया तो इस अल्लाह मिया ने बनाई हम तो गवर्न करने के लिए पैदा हुए हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि हम हर उस कॉज के साथ हैं और हमारी सेंट्रल पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पिवट यह होगा कि हम उस पॉलिसी के साथ जाएंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी उस आ, आ, समझ लीजिए तरीके से डायरेक्टेड होगी जो अरेबिक एंड इस्लामिक सिर्फ इस्लामिक नहीं अरेबिक एंड इस्लामिक दोनों कॉजेस को जस्टिफाई करें यदि आपका कॉज इस्लामिक आपकी दृष्टि में है मगर वो अरबिक नहीं है तो वो आपके साथ नहीं खड़े हैं इसीलिए आर्टिकल 370 में जिसको कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का प्रॉब्लम बनाता है उन्होंने जाकर के आर्टिकल सत्तर जब हटाया मोदी जी ने तो उन्होंने जाकर के वहां पर सबसे बड़ा मॉल खोलने की घोषणा करने वाला कंट्री यू था क्योंकि यू कहता है ये इस्लामिक कॉज तुम्हारे लिए है ये अरब एंड इस्लामिक कॉज नहीं है ये अरबों का कॉज नहीं है और ये तुमको समझना पड़ेगा ये उनके फॉरेन पॉलिसी लिखा हुआ है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है यू का ठीक है अब अगर आप जहां तक बात रही ओआईसी की तो ओआईसी बिना अरेबिक स्टेट के क्या है कुछ नहीं है हुँ. कुछ भी नहीं है ना आप समझ नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी जी इसलिए तो पाकिस्तान का ये कहना कि ओआईसी का क्या है भाई ओआईसी कुछ नहीं है सब अपनी कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं और सब क्योंकि सर हम तो हर चीज में ओआईसी को आवाज लगाते हैं ना अगर कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं कि जी ओआईसी कंट्रीज को बात करेंगे इवन अगर कश्मीर इशू भी होता है तो उसमें भी पाकिस्तान की कोशिश होती है कि ओआईसी की कंट्रीज जो है वो उसके बारे में बात करें या वो पाकिस्तान का साथ दें क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री हैं ये भी इस्लामिक कंट्रीज हैं लेकिन मैंने तो यही देखा है कि इस्लामिक कंट्रीज कभी किसी की मदद नहीं किया करती खास तौर पर ये जो ओआईसी आई की कंट्रीज है ये आपस में लगे रहते हैं लेकिन ये किसी की सुनते नहीं है मतलब तो जो बड़ी कंट्रीज है जो पैसे वाली कंट्रीज है आप कभी नोटिस करें वो एक साथ होंगी और जो कम पैसे वाली कंट्रीज है या जिनके पास पैसा है ही नहीं उनको उन्होंने साइड लाइन किया होता है जबकि यूरोप में ऐसा नहीं होता यूरोप में जो इतनी यूरोपियन कंट्रीज है वो ये नहीं देखते कि ये बड़ी छोटी कंट्री है कि क्या है वो पहुंच जाते हैं मदद के लिए ओ के नहीं पहुंचते तो तो पहले ही वो बोल रखा है क्या नाम है कि हम यूएन चार्टर को मानते हैं ओवाईसी यूएन चार्टर के अंदर में भाई ओवाईसी कोई यूएन चार्टर के ऊपर नहीं है आपने यूएससी का ओवाईसी uh, का चार्टर जाके पढ़ लीजिए ठीक तो उन्होंने वो पहले कह दिया कि हम यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर में हैं और उसके अंतर में हम जो है इस्लामिक uh, uh, जो कंट्री का कोऑपरेशन करेंगे मगर जब जी नहीं नहीं आप, जी, आप, आप कंप्लीट करें सॉरी नहीं नहीं प्लीज प्लीज मैं ये कह रही थी कि इस वक्त मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, है या चाहे ओ आई कंट्रीज की कोई भी उनसे नजदीक हो रहे हैं अभी देख से, हमने देखा कि वो अजमेर शरीफ के लिए चादर दी मोदी जी ने उसका भी काफी चर्चा है कि जी वो चादर उन्होंने दी और वो एक उर्स जो शुरू हो रहा है उसके ऊपर उस चादर को दिया गया तो कुछ वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे भी उनकी मुलाकात हुई है उधर भी जाके मोदी जी ने बात की है आपको लग रहा है कि कुछ नजदीक आ रहे हैं कुछ जो एक टेंशन बनी रहती है या हमारे यहाँ बताया है जाता है कि मुस्लिम्स और बीजेपी की गवर्नमेंट में टेंशन है उस टेंशन को कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डिफ्यूज होगी कुछ थोड़ी कम होगी देखिए ऐसा है आजू जी ये बायोलेटरल नहीं रहा मसला अभी जो दुनिया में हो रहे हैं वो टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है ये कोई आप जिसे कह लीजिए उस टैक्टिकल लेवल के नहीं है कि भाई यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन देख लो यहाँ अपना फ़ायदा देख लो ये दुनिया ने और आई टू यू टू बना करके उसके बाद दूसरी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बना के अरेबिक वर्ल्ड ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि अब हम फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में जाएंगे हम यूनिवर्सलिटी की बात करेंगे हम इस्लामिया की बात नहीं करेंगे सिर्फ इस्लाम इस्लाम हमारा है. Islam, हमारा डोमेस्टिक मैटर मैटर है फॉरेन तो कि का नहीं मैं यही यही पूछ रही हूँ आपसे जिस तरीके से चला जा रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जिस तरह से आपकी चल रही है कर अच्छा लगा मुझे के मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कोई बुरा लगा है लेकिन ये कि अजमेर शरीफ गए जाकर जो है वो मोदी जी ने वो पिछले बारह साल वो... से देते हैं मोदी जी अभी हमने तो अभी देखा है तो इसलिए अगर बारह साल से देते हैं बहुत अच्छा करते हमने अभी देखा है देखिए पॉइंट ये हुआ आरजू जी कि इन लोगों ने वो चीजें हाईलाइट करवाई जो दुनिया में रिफ्ट पैदा करे

जो लोग हैं जो उसको सारा मैनेज करते हैं उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग आके दुआ पढ़ सकते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होगी उनको कुछ मिलेगा नहीं इस किस्म की बातें भी की जा रही थी जबकि वहाँ पर मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम या कह लीजिए कि हिंदू सिख जो है वो ज्यादा विजिट करते हैं लेकिन खैर उनकी बात मुझे गलत लगी थी वहाँ के जो लोग थे अजमेर शरीफ के उन्होंने गलत बात की थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर भी लोगों ने बड़ी वीडियोज बनाई थी तो अब वो कुछ कम हुआ है या आपको लगता है अभी भी उनकी वही सोच है नुपुर शर्मा के विवाद में उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं का बाइकआउट करो ठीक है ना क्योंकि उस समय काशी विश्वनाथ टेम्पल जो काशी मथुरा वाला मुद्दा है वो अपने हाइट्स पर था टीवी डिबेट्स बहुत होते थे तो उसके लिए इन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है मुसलमानों से कहने कि हिंदुओं को बाइकआउट करो देखिये मैं कह रहा हूं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान जी तो वो मैं वही कह रहा हूँ देखिए हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो अरब के इस्लाम से बहुत अलग है बहुत बहुत अलग है हिंदुस्तान का इस्लाम हिंदू सेंट्रिक है इंडिया सेंट्रिक है उसको पता ही नहीं है दुनिया में इस्लाम क्या है उनको कुछ नहीं पता न तो उनको उसका इतिहास पता है ना कल्चर पता है उनके लिए इस्लाम है पांच वक्त की नमाज पढ़ना अपने कल्चर से नफरत करना और एक ऐसे किसी मुग़लों को इस्लाम समझ लेना वो मुगलों को इस्लाम समझते हैं उनको ये पता ही नहीं कि तुर्कों से हिंदुओं से ज्यादा दफरत तो वो करते हैं क्या नाम है अरब अरब तुर्कों को पसंद नहीं करते मैंने कहा ना अरबों का मुसलमान छीन के उन्हीं के पिताजी बन गए वो उन्हीं के सर पे बैठ गए फिर वही मैंने कहा कि अरबों से मुसलमान तुर्कों इस्लाम तुर्कों ने सीखा छीना और तुर्कों से मूर्खों ने छीना यहां पे एक अलग इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है वो पाकिस्तान के फॉर्म में आप देख ले पाकिस्तान भाषा अरबी है इसलिए अरबी सीखे हमारी पंजाबी सीखे हमारा जो कौमी तराना है वो फारसी में होगा इसलिए लोग फारसी भी सीख रहे और हमारा जो काम काज का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश भी चलेगा मतलब पंजाबी सिंधी और पश्तो को छोड़ के सब सीख लो और यदि कोई पंजाबी में बोल दे बात करे पश्तो में बोले और बात करे सिंधी में बोले और बात करे लोग आर्टिकल लिखते ये एंटी नेशनल है अपनी मातृ जबान में भाज करना अपनी मातृभाषा में बात करना ये पाकिस्तान में एंटी नेशनल है ये अपनी तरीके का अजीब ही मुल्क है और ये सब क्यों होता है इस्लाम के नाम पे ये सब इस्लाम के नाम पे होता है पंजाबी मत बोलो क्योंकि मुसलमान हो पश्तो मत बोलो क्योंकि मुसलमान हो सिंधी मत बोलो क्योंकि मुसलमान हो ये अरबी तो नहीं बोल रहा है कि तुम पश्तो मत बोलो सिंधी मत बोलो तमिल मत बोलो तेलुगु मत बोलो सर इन लोग की तो सर मनत अलग होती है ना यहाँ पे तो कोई लॉजिक वाली बात होती ही नहीं है ना जिसको हम कह सकेंगे कोई इन्होंने कोई दिमाग लगाया है या कोई बात की है तो मतलब कुछ भी बोलते हैं लेकिन नहीं जो यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा होता था जो जो बार बार लगाया है ये दिमाग का ही नतीजा है जो आप देख रही है कि फारसी में आपका अः कौमी तरह है और कौमी लैंग्वेज उर्दू है ये दिमाग लगा दे बनाया है भाई ये बेस्ट दिमाग लगाया आपका आप कैसी बातें कर रही हैं मोहम्मद बिन कासिम से आपकी हिस्ट्री शुरू होती है पाकिस्तान सातवीं शताब्दी सातवीं शताब्दी में बन गया था ये दिमाग लगाया गया है टू नेशन थ्योरी दिमाग लगा के बनाया गया आप कैसी बातें कर रही हैं आप आज तक फिर उल्ला हो गया मेरे साथ आप समझ रही है भाई ये दिमाग लगाया है अगर बेचारा मुसलमान दिमाग नहीं लगाता तो वो अपनी जमीन से जुड़ा रहता खुश रहता पांच वक्त की नमाज से और उसके बाद ईद मनाने से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है मगर सर सब तो, तो एक जैसे नहीं है ना बहुत से लोग जो है वो अलग सोच भी रखते हैं मैं भी तो पाकिस्तान तो में रहती हूँ मेरी मेरी सोच भी तो अलग है अब उसपे चाहे लोग मुझे बुरा तो भला कहना शुरू कर देते हैं लोग कहते हैं आ, कल भी मैं किसी शो में थी किसी इंडियन उनके चैनल पे थी मैं तो वो कहने लगे मुझे बताने लगे कि पाकिस्तानियों को भी कहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है मैंने उनसे कहा कि वो रमनिक सर थे बहुत जबरदस्त बात किया करते हैं रमनिक मन मुझे मुझे बड़े पसंद है उनकी अक्सर जो वीडियोज या जो जो भी आते इंटरव्यू ज़रूर देखती हूँ तो मैंने कहा यहाँ तो अगर मैंने कह दिया तो आप क्या सही लोग मेरे गले पड़ गए कि इसने क्यों कहा तो मैंने कहा इस पर बड़ा पूरा बनाएंगे आज मैंने वो नाजिया इलाही उनके साथ शो किया था तो मैंने उनको कहा कि आपका मेरे ख्याल फिर लाइट गई है अरे यार हमारे से ज्यादा तो आप क्या लाइट जा रही <laughs> पहले हम सोचते थे हमारी यहाँ बहुत लाइट जाती है लेकिन अभी तक अभी तक चीज है उनके पास दो बार लाइट जा चुकी है मतलब तो हम बीस मिनट के शो नहीं बना पा रहे और मेरा ख्याल इतना मतलब मोदी जी ने इतना काम किया है इतनी इकोनॉमी वगैरह अपनी बढ़ा दी है इतनी ज्यादा हो गई इकोनॉमी और तो सब कुछ सही चल रहा है तो मेरे ख्याल है कि लाइट नहीं जानी चाहिए मैं इतनी देर बोलती रही हूँ जब आपके <laughs> मैंने कहा वो बार बार लड़ी आ रही है मोदी जी को उस पर काम करना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी तो बहुत अच्छी होगी लेकिन 20 मिनट के शो में दो बार लड़ी जा चुकी है और हमारे यहाँ नहीं गई है हम हम बड़े इसमें मतलब सही है मेरे घर नहीं गई है वरना तो हमें अंडम गोस्वामी जी जो है वो वो कहते थे कि पाकिस्तानियों को जब बुलाओ शो में की लड़ी चली जाती है तो मैंने कहा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानियों ने इम्प्रूव कर लिया है आप भी आप भी आप भी आनंद ले सकते हैं कहकर <laughs> ना हमारे आपके अभी बैठ जाती है बिल्कुल ऐसा ही है तो दी मैं, दी। मैं यही कह रही थी कि वो यही बात कर रहे थे कि जी आप लोग पाकिस्तानी भी ये कहना शुरू कर दें कि जी मोदी हैं तो मुमकिन है मोदी जी की बात वो कर रहे थे तो मैंने कहा हम तो एक एक दो बार मैंने तो बोल दिया या थमदेल में लगा दिया तो मैंने कहा मेरे मैं पिता तो सारी दुनिया जूते चप्पल लेके इंडिया से पड़ गई कि तुमने क्यों बोला मैंने कहा आप कह रहे बोलो और वो लोग कह रहे मत बोलो आज मैं वही बताई थी नाजिया के साथ मैं शो कर रही थी और हम लोग बात कर रहे थे राम मंदिर पे तो नाजिया ने कहा जय श्री राम तो मैंने भी जय श्री राम बोल दिया ऐसे करके क्योंकि मुझे लगा कि राम मंदिर की बात नहीं मैंने कहा अभी सब आ जाएंगे क्यों बोला इसने किस लिए बोला इसने तो मैंने कहा ये नेगेटिव लोग तो सर हर तरफ होते हैं जरूरी तो नहीं किसी पाकिस्तान में ही हो क्या कहेंगे आप बिल्कुल मैं वही आपसे कहूंगा आपकी सफाई आपके दिल में है हुँ. आपका फीलिंग आपके दिल में है अगर आपको एक कॉज को अच्छा समझती हैं आप और हम वही काम करेंगे तो इसमें लोग हमें कभी गालियां देंगे कभी अप्रिशिएशन देंगे हम पब्लिक लाइफ में हैं तो हम दोनों के लिए तैयार रहे हैं। ठीक है ना हमें इतना है कि मुझे अप्रूवल की आवश्यकता नहीं लोग गालियां देंगे सहर्ष स्वीकार कुछ कहेंगे ये मिश्रा जो है इस मूर्ख के बच्चे कुछ नहीं आता खून पीता है स्वागत है कुछ कहेंगे बड़ा ज्ञानी और विद्वान आदमी है स्वागत है कुछ कहेंगे ये महानाटक बयाज करता है इसके सर पे बाल नहीं है बाल इधर उधर से लेके आए वो भी स्वागत है आपका सब भी है बट मेरी अपनी फीलिंग है जो मैं समझता हूँ वो मैं कहता हूँ और वो मेरी समझ से लोगों को अ, मेरी मेरा ये है मैं भारत की बात कहता हूँ ताल ठोक के मैं अपने पूर्वजों की बात मुझे लगता है कि भारत के साथ अन्याय किया गया है और कुछ लोगों ने भारत की बात को दबाने की कोशिश की और भारत की बात अगर समझाई जाए तो भारत के वो लोग जो भारत से पलटे हैं जिन्होंने भारत को डिनाई किया है उनको मैं अपने बात समझा सकता हूँ एक्सेप्ट करवाऊं ये मेरे बस में नहीं है कौन सोच सकता था कि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना के सामने मदीना मुनवरा के सामने जा करके एक महिला जो है सर खड़ा सर खोल करके और साड़ी पहन के फोटो खिंचवाएगी कोई वेस्टर्न महिला होती तो हम सोच भी सकते थे हमारे खिते की एक महिला जो है जो एक हिंदू थी पारसी से शादी की है वहां जाके साड़ी में बिना सर को ढके खड़ी है ये कौन सोच सकता था कौन सोच सकता था कि आर्टिकल 370 से कश्मीर कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाएगा कौन सोच सकता था कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा मैं बात सर बात आपकी ठीक है लेकिन आ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी हर बात से लेकिन अगर किसी भी जगह की कोई किसी भी रिलीजन की कोई जगह हो जहाँ पे इबादत की जाती है अगर मैं मंदिर में जाती हूँ जो कि मैं जाती हूँ अगर मैं कराची या कहीं जाऊं तो मैं सर ढाक लेती हूँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से कोई कोई बुरी बात है अगर मैं चर्च में जाती हूँ मैं तब भी सर कवर कर लेती हूँ और मैं मस्जिद या, या गुरुद्वारे में जाती हूँ जब भी मैं सर कवर किए बगैर नहीं जाती तो वो वो कोई बात नहीं है उनको किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन ये कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कवर किया या नहीं किया लेकिन ये तो सर एक खुद अपनी बात होती है कि इंसान कवर कर ही लेता है आप मुझे अगर कभी मंदिर में देखेंगे जो मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी पिक्चर मैं हमेशा सर कवर करके जाती हूँ मैं बगैर सर कवर किए नहीं जाती हालांकि वैसे मैं इस तरह से नहीं रहती लेकिन खैर वो अच्छा लगा मुझे कि वो गई और उन्होंने वहां जाके विजिट किया उन्हें बड़ा वेलकम मिला वो मस्जिद के अंदर नहीं गई थी मस्जिद के बाहर गई थी और दूसरी हाँ, बिल्कुल वो वो सही है मंदिर मतलब अंदर नहीं गई थी मैं तो बात ठीक है मैं वो अंदर गई आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये देखिए ये फोटो आ, कोई लीक नहीं की गई है ये डाली हाँ, गई है बिल्कुल बिल्कुल ये जबरदस्ती और आपको क्या लगता है सऊदी अरेबिया के बिना मन मर्जी का ये हुआ है ये, ये तो ये तो यही फोटो किसी बंद कमरे में भी डाली जा सकती थी हाँ, और फोटो को एनालाइज कीजिए एक सऊदी खड़ा है अपनी सऊदी की पारंपरिक पोशाक में आ, उसके बगल में उनके बगल में स्मृति रानी जी खड़ी है साड़ी में बिना सर को ढापे भारतीय परंपरा में ओ, महिला भारतीय महिला परंपरा में उसके बगल में उनके बगल में खड़े हैं नहीं वही तो मैं कह रही हूँ नैर वो मस्जिद के भारतीय आपने बात की तो मुझे लगे तो हम उसके अंदर बात करें लेकिन लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि सऊदी अरब चेंज हो रहा है और बहुत अच्छी बात है कि लोगों को जाना चाहिए और हमारे यहाँ से खैर एक दो लोग उल्ला खड़े हो गए थे जी ऐसे कैसे कर दिया लेकिन अच्छा किया उन्होंने ऐसा चेंज आना चाहिए सऊदी अरब में और अभी तो आप और ज्यादा मजीद चेंज देखेंगे सऊदी अरब में ये तो अभी स्टार्ट किया है उन्होंने लेकिन ऐसा आहिस्ता इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ गल्फ कंट्रीज जा रही है लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा तो पाकिस्तान नहीं जा रहा बाकी तो सभी जा रहे हैं। और सर का फ्रेम एक बार फिर फ्रीज हो चुका है हमें देखने वालों को मैं ये बताती चलूं, मुझे लग रहा है ये थर्ड टाइम सर की लाइट गई है और इस वक्त उनको चाहिए कि वो मोदी जी से जरूर बात करें कि भाई ये क्या चल रहा है मतलब इतनी जो आप लोगों ने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना ली है उसमें अगर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को लाइट नहीं मिल रही और वो ट्वेंटी मिनट्स का शो बनाना मुश्किल हो गया अब देखे बिल्कुल से चले गए तो फिर आ, क्या फायदा ऐसे पैसे का इतना फालतू पैसा है कि आप लोग जो है वो डॉक्टर साहब को लाइट भी ठीक से नहीं दे पा रहे तो फिर वो पैसा आप लोग मुझे भेज दीजिए मैं आईफोन फिफ्टीन खरीद लूंगी आ, आ, है हाँ आई क्या वो आई फोन हाँ प्रो मैक्स वो ले लूंगी तो मैं ये कह रही थी के डॉक्टर अभिषेक बिल्कुल ही आउट हो गया मेरा ख्याल है कि या तो उन्होंने सात वालों के पाकिस्तान में होते हैं ना कुंडा डाल के लाइट ली होती है हमने या तो उन्होंने वो कुंडा डाल के लाइट ली है और बिल सात वालों को आ रहा है और बिजली इस्तेमाल कर रहे थे और अभी उन लोगों को पता लग गया पड़ोसियों को कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्होंने उनका वो जो कुंडा सिस्टम हमारे यहाँ कहलाता है कि हम किसी दूसरे की वायर में अपनी वायर जोड़कर और अपने घर की लाइट ऑन कर लेते हैं मैं ये भी बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि कुंडा सिस्टम क्या होता है ये पाकिस्तान में बहुत चलता है कराची में खासतौर पर बहुत चलता है इस्लामाबाद में तो इतना नहीं इस्लामाबाद में लोग पकड़े जाते हैं लेकिन कराची में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडेड सिटी है तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने जो है वो कहीं ना कहीं कुंडा डाल लाइट ली हुई है और उन लोगों को पता लग गया है कि लंबा बिल क्यों आ रहा क्योंकि डॉक्टर साहब उनकी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो तो मुझे लगता है कि वो कुंडा सिस्टम डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब का उन्होंने निकाल दिया तो की थर्ड टाइम लाइट सॉरी मैं बोलती रही हूं सर। ये की नहीं गई है यार भैया <laughs> अभी तो लाइफ कुछ टिमटिमाना शुरू हुई है लाइफ की और आप उसको बुझाने पे लगी हुई है डॉक्टर

वैसे ही एक चीज बोलना चाहूंगा बस एक चीज जो मुझे बस पूरी करना चाहता हूं ये बहुत जरूरी है देखिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे ये बात करना मेरा ये मानना है ना कि लोगों को नहीं बदला जा सकता ठीक है लोग जो है वो वही रहेंगे लोग खुद को बदलते हैं मैं ये सोचता हूं कि मेरे अंदर इतना दम है कि मैं ला करके आरजू जी को बदल दूं मैं जा करके हाफिज सईद को बदल दूं मैं पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बदल दूं मैं हिंदुस्तान के लोगों को बदल दूं तो मैं उतना सक्षम नहीं हूं मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं दुनिया को क्या बदलूंगा मैं किसी को बदल नहीं सकता लेकिन मुझे एक चीज और पता है शिक्षक जो है ना लाइट आ रही मैं आ रहा हूं भी, भी। अभी तक आप मुझे देख पा रही हैं क्या ये मेरे उन्होंने <laughs> नहीं सुन रही रही मुझे मुझे आपकी आप, आप आपको सुन पा पा मैं देख ठीक है ना देखिए ये चौथी बार लाइट गई है ये ये बहुत ही कोई परेशानी की बात है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीनन काम होना चाहिए तो मैं मैं लाइट चली जाए आप कंप्लीट कर लीजिए जी 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 मैं बस कम्प्लीट कर दू हम मैं किसी को बदल नहीं सकता ना मेरी वो क्षमता नहीं है ना मेरे अंदर वो वो पावर है मैं कोई भगवान नहीं हूं ये बदल ना मैं एक बात जानता हूं मैं सामने चीजें बता रहा हूं और मुझे ये पता है कि चीजों को जिस तरीके से मैं मैं बता सकता हूं मैं दुनिया घूम के आया हूं बहुत कम लोगों के पास वो क्षमता है बहुत कम लोगों के पास मैं फलत बातें नहीं करता कि और सब अपनी अपनी बातें करते हैं ऐसा नहीं कि मेरी क्षमता अगर अलग है तो नीचे नहीं 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 सबकी अलग अलग क्षमता है और सब उस विद्या में पारंगत है अपने अपने तरीके से मगर जिस तरीके की क्षमता मेरे पास है ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दुनिया में मुश्किल से पांच दस लोगों के पास होगी गया इसलिए मैं आपको ठोक के बोल रहा हूं तो मेरा वही निवेदन है कि मैं लोगों को बस बातें बताने आया हूं उसको स्वीकार करना उसको अस्वीकार करना उसको समझना नहीं समझना ये उनके हाथ में है लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि बातें बताई जाए तो लोग समझते हैं लोग उन पे काम करते हैं और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बात का जो मैं कर रहा हूं उसका समय आ चुका है इसीलिए कहा जाता है कि ये सदी भारत की सदी होगी और जो मैं बात कर रहा हूँ वो भारत की बात कर रहा हूँ और भारत की सदी को होने के लिए इस बात का होना बहुत जरूरी है यानी भारत की बात का होना बहुत जरूरी है तो बाकी ये भारत की सदी बनाने में हम सब अपना हम सब छोटी छोटी गैलरियां हैं जब भगवान राम पुल बना रहे थे रामेश्वरम से श्रीलंका जाने का तो उसमें कई लोग अपना अपना योगदान देते थे तो उसमें गहरी थी वो गिलहरी क्या करती थी कि वो जा करके बालू में ले और उसके बाद समुद्र में नहा के चली आती थी तो उस तरीके से वो अपना भी भी योगदान जो उसके पास सक्षम था संभव था कर रहा था तो मैं छोटा सा गिलहरी हूँ और भारत की सेंचुरी जो हम नहीं कहते दुनिया कहती है उसको बनाने के लिए अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ बिल्कुल सर अपना अपना रोल सबको प्ले करना चाहिए और तभी कंट्री भारत की बात हमारी बात भारत की बात बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है और भारत की बात है तो जाहिर है पाकिस्तान की भी बात है और हम यही दुआ करते हैं कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें और कंट्री को मजीद बेहतर बनाएं बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया थैंक यू सो मच और लाइट जाने के लिए बहुत बहुत सॉरी नहीं नहीं सो के सर बड़ा मजा आया लाइट गई तो मैं तो बीच में बोलती रही हूँ नॉन स्टॉप थैंक यू थैंक यू